खरगोन शहर के राजेंद्र नगर में बुधवार शाम एक कार से महिला का आभूषणों से भरा हुआ पर्स चोरी होने का मामला सामने आया है। पर्स में करीब 1.5 लाख रुपए के आभूषण होने की शिकायत पुलिस को की गई है। पुलिस को भी शिकायत में मुबारक खान निवासी भिकनगांव ने बताया कि वह बहू के साथ बुधवार करीब 3 से 4 बजे के बीच राजेंद्र नगर निवासी अपने रिश्तेदार के यहाँ कार से आए थे। बहू अपना पर्स कार में ही छोड़ गई थी। शाम को जब वापस जाने लगे तो कार से पर्स गायब था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। हम आए थे भिकन गांव से खरगोन बहू को लेने के लिए, तो बहू को लेके और हम लड़की के वहाँ गए राजेंद्र नगर मिलने के लिए। वहाँ चाय पानी के लिए लड़की के वहाँ उतरे, अभी चाय पानी पी के चलते हैं अपन, और बहू ने वो पर्स जो है वो गाड़ी के अंदर ही छोड़ दिया। चाय पी के हम बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठते हैं तो पर्स वहाँ से गायब हो। क्या क्या था उसमें? उसके अंदर करीब 1-1.5 लाख रुपये की ज्वेलरी है और 5-7 हज़ार रुपये कैश भी है, मोबाइल भी है, 2-2, 3-3 मतलब उसके अंदर मंगलसूत्र है, अंगूठी है, लटकन है, पायजब है और बच्चों की भी छोटी मोटी रकम उसके अंदर। कोई पे शक है आपको? शक तो क्या है, जो संजय नगर के अंदर 4-5 बच्चे हैं जो उनकी टीम है और वो ये काम करते रहते हैं, लोगों ने वहाँ पे बताया, ऐसे चर्चा अपन ने करी है, बोले जा जो 4-5 जो बच्चे और ये काम बच्चे का ही है वहाँ से। कब की घटना है ये? 3:30 बजे। 3:30 बजे दिन में? 3:30 बजे। अरे बच्चों ने बाहर गाड़ी खड़ी थी? गाड़ी बाहर खड़ी थी दरवाजे के ऊपर। बच्चों ने भी बताया कि वो बच्चा एक बैठा था गाड़ी के अंदर और वो बच्चा मतलब वो पर्स निकाल के ले गया, छोटे छोटे बच्चे थे। अभी आप शिकायत करने आए, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये है कि साहब अभी आ रहे हैं, साहब मीटिंग में हैं और उनसे चर्चा हुई, उन्होंने बोला कि भैया साहब जैसे आते हैं आप उनसे मिल लो, बात कर लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबारक खान है, अल्पसंख्यक मोर्चा का, भारतीय जनता पार्टी से जिला मंत्री हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।